सिर्फ दो तीन पंक्ति में सुनीता जी ने अपनी बात आपके समक्ष रखी है और मैं समझता हूं कि दो तीन पंक्ति दो तीन दिन तक भाषण दिया जाए वह भी कम होगा इनकी दो तीन पंक्ति के समय। इन्होंने आप सभी लोगों से न्याय की अपेक्षा की है, कहा है कि न्याय दीजिए न्याय दिलाइए। मेरे पति का आखिर दोष क्या था? हम भी आपसे आग्रह करने आए हैं कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक सुनीता सिंह के न्याय का मामला नहीं है। अगर इस मौके पे आप सब लोगों ने न्याय दिलाने का काम नहीं किया, आगे आप सब लोग नहीं आए, तो पता नहीं आगे चलकर कितनी सुनीता देवी इस तरह की होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। रामाश्रय जी हमारे बीच से चले गए, लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन अब कोई दूसरा रामाश्रय हमारे बीच से उस तरह से न जाए, यह तो हमारे आपके हाथ में। भाइयों मित्रों, क्या आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं सुनीता देवी जी के आग्रह पे न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़े हैं? जरा हाथ उठाकर बताएं, इनको न्याय मिले, इसके लिए जिसने भी बुलेट का प्रयोग किया उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन बुलेट से नहीं पायलट से देना है। क्योंकि सिर्फ इनको न्याय दिलाने भर का मामला नहीं है, वैसे लोग जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, घृणित काम किया, वैसे लोगों को सजा देना दिलाना आपके बाल बच्चों के हित में भी नहीं है। सरकार क्यों बनती है? सरकार आप क्यों बनाते हैं? नीतीश कुमार जी के ऊपर तो इतनी उम्मीद थी, कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार जी भी शासन में आएंगे और रवैया पुराना जारी रहेगा, लेकिन हो वही रहा। आपके साथ न्याय नीतीश कुमार जी ने भी नहीं किया, बिहार भर के लोगों के साथ नहीं किया। जो गरीब लोग हैं विशेष रूप से परेशान हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, किसका नुकसान हो रहा है? जो गरीब लोग हैं, शिक्षा सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं शिक्षा खरीद लेते हैं, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीब आदमी कहां जाएगा? गरीब आदमी भी सपना देखता है, देखना चाहिए भी, कि उसका बाल बच्चा भी डॉक्टर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा इंसान बने। जो पैसे वाले लोग हैं शिक्षा खरीद लेते हैं, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीब आदमी कहां जाए? उन्हीं सरकारी विद्यालयों, जिन सरकारी विद्यालयों का पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं, शिक्षा की जो दुर्दशा है, स्वास्थ्य की भी वही दुर्दशा है। गरीब लोग दवा के अभाव में, क्योंकि सरकार
सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, दम तोड़ते हैं। भाई और बहनों, सरकारी अस्पताल जब हम लोग दिल्ली में होते हैं, बिहार के गरीब लोग किसी तरह से अपनी जमीन बेचकर कर्ज लेकर दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, और वहां जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं। प्राइवेट में अगर करना होता, पैसा होता, तो यहां भी करा सकते, और वहां जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराते। हम आपसे आग्रह करने आए कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में यदि होने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं किया नीतीश कुमार। 15 साल में इन्होंने भी बर्बाद कर दिया। हम आपसे गुजारिश कर दिया है, जब कितना दिन मौका दीजिएगा। 15 साल आपने देखा है, 15 साल कोई कम समय नहीं होता। 15 साल बहुत समय होता है। लोगों ने प्रयास किया होता तो बहुत कुछ हो गया रहता, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए हैं। जहां इस बार के चुनाव में सुनीता जी को न्याय देना और दिलाना है, वही अपने बाल बच्चों की तकदीर को भी सुरक्षित करने का काम है। अगर आपने फिर से उन लोगों को मौका दिया तो 15 साल में नहीं कर पाए, अब आगे कितना कर पाएंगे इस बात का अंदाज आप कर सकते हैं। 15 साल कोई कम समय नहीं होता भाई और बहनों। आपने दिया है 15 साल उनको, 15 साल उनको। जब 30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, तो आपसे हम आग्रह करने आए हैं कि पहले आपने वोट दिया, चाहे जिनको भी, उनके कारणों से वोट दिया। इस बार उनके कारणों से उनको या उनको वोट मत दीजिए। आप अपने बाल बच्चों के लिए इस बार वोट देने का काम किया, और वैसे भी 15 साल बड़े भाई का हक बनता था, आपने दे दिया। 15 साल मझले भाई का हक बनता था, आपने दे दिया। क्या 5 साल आपका छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा का हक नहीं बनता है? हम 5 साल के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। हमने जिस मुहिम की शुरुआत की वर्षों पहले, इस इलाके के लोगों ने भी, आपने भी साथ दिया समय समय पे। लेकिन जब जब आपने साथ दिया, इस बार वो अभियान सफलता के करीब है। आप सब लोगों ने ताकत दी तो आपका अभियान निश्चित रूप से पटना के एक अन्य मार्ग तक इस बार पहुंचेगा, और वहां से तब हम तमाम गरीब लोगों के लिए न्याय देने का काम करेंगे। हमको ताकत दीजिएगा तो आने वाले दिनों में कोई बहन सुनीता जी इस तरह से मंच पर आकर रोना नहीं रोने का काम करेंगे। इस स्थिति में भी बदलाव होगा, और वैसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर घूमते रहते हैं, वैसे लोगों की जगह जेल में होगी, बाहर नहीं होगी। आपके बाल बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हर तरह से होगा। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज का इंतजाम। नौजवानों मजदूरों को बाहर रोजी रोटी के तलाश में नहीं जाना पड़ेगा, इसी धरती पर हर तरह का इंतजाम होगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिए। आपने बहुत दिया उन लोगों को, एक बार 5 साल के लिए दीजिए। भाई और बहनों, हमने जो गठबंधन बनाया है, यह गठबंधन मजबूत गठबंधन है। इस गठबंधन में बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद उपेंद्र कुशवाहा को प्राप्त हुआ है, ओवैसी साहब का भी सानिध्य सौजन्य प्राप्त है, ओम प्रकाश राजभर जी चौहान साहब, सब लोगों का सौजन्य प्राप्त है। एक मजबूत गठबंधन लेकर हम आए हैं, और आपको न्याय देने के लिए हम आए हैं। इसलिए इतना मजबूत गठबंधन, सब लोगों का आशीर्वाद, सिर्फ अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, ताकत दी, तो हर तरह से न्याय हम आपको भी दिलाएंगे,
बहन सुनीता जी को भी दिलाएंगे, आपको भी दिलाएंगे और बिहार की जनता को दिलाने का काम करेंगे। तीसरी आग्रह है आप सब लोगों से कि सब लोग मिलकर यहाँ से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए, यहाँ से जिताकर भेजने का काम कीजिए। वक्त का अभाव है, बिहार में सब जगह जाना पड़ता है, 243 जगह चुनाव है।